राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद के जिला अध्यक्ष योगेश कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम कड़ाई से लागू करने के संबंध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ती हुई फीस व अन्य शुल्क अनियमितताओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2018 लागू किया गया था, किंतु अधिकतर स्कूलों में इसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई है और न ही इस पर किसी प्रकार का कोई अनुपालन किया जा रहा है। स्कूलों की मनमानी द्वारा वसूले जाने वाली लेट फीस को तुरंत बंद कराना था, किंतु मुरादाबाद जिले के किसी भी प्राइवेट स्कूल में इस तरह से इस अधिनियम व कार्य नहीं किया जा रहा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों में कितने छात्र छात्राओं की फीस जमा न होने के कारण उसे परीक्षा से वंचित न रखा जाए, अध्यापक द्वारा किसी छात्र एवं छात्रा का तिरस्कार किया जाए, स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आगे उग्र आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। योगेश जी, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आज? का प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अधिनियम 2018 निकाला था, जिसमें कि ये प्रावधान था कि फीस जो बढ़ाएंगे वो प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाएंगे और लेट फीस नहीं लेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल लगातार इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और इस पर कार्य योजना बिल्कुल ही इन्होंने नील कर रखी है। हमारा शासन से निवेदन है कि किसी तरह से भी कुछ भी करके धारा जो उत्तर प्रदेश अधिनियम 2018 इन्होंने निकाला है उसको क्रियान्वयन कराएं, और नहीं करा सकते हैं तो इनके स्कूलों के ऊपर शासनात्मक कार्रवाई करें। इस संबंध में कोई ज्ञापन भी दिया जा रहा है? हाँ जी, इस संबंध में हम ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को। यदि इस ज्ञापन पर, और पिछली बार भी हमने ज्ञापन दिया है और अगली बार इसमें ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होती है, तो हम बड़ा रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। वह यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का पुनर्गठन कर सकते हैं।